इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान कैसे गई 127 लोगों की जान। ईरान ने हिजाब विरोधी आंदोलन की साजिश के लिए किसे माना है जिम्मेदार। और किम के मिसाइल टेस्ट से भड़के अमेरिका ने क्या लिया है बड़ा एक्शन। इन सभी खबरों को विस्तार से देखिए टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान हुई हिंसा में 129 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक पूर्वी जावा के मलंग रीजेंसी में हुए मैच के बाद दो फुटबॉल क्लबों के समर्थक आपस में भिड़ गए। मैच में अरेमा क्लब के 3-2 से हारने के बाद ये हिंसा भड़की, लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। ईरान ने हिजाब विरोधी आंदोलन की साजिश रचने के आरोप में 9 यूरोपीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ईरान के खुफिया मंत्रालय का दावा है कि सभी विदेशी नागरिकों की प्रदर्शनों के दौरान भूमिका संदिग्ध पाई गई है। ईरान ने इन्हें जर्मनी, पोलैंड, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन का एजेंट करार दिया है और सभी देशों के दूतावास को हद में रहने की चेतावनी दी है। ईरान के दक्षिण पूर्वी शहर जाहिदान के एक पुलिस थाने पर अलगाववादियों के हमले में 4 रिवोल्यूशनरी गार्ड समेत अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रांतीय गवर्नर हुसैन मोदेरेसी के मुताबिक इस हमले में बासीजी गार्ड्स के 32 जवान जख्मी हुए हैं। आरोप है कि जुम्मे की नमाज की आड़ में अलगाववादियों ने मस्जिद में छिपकर पुलिस थाने पर हमला किया। ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन से माहौल गर्म है। ईरान में हिजाब का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला तेहरान के एक रेस्टोरेंट में बिना हिजाब खाना खाने पर एक महिला की गिरफ्तारी से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक महिला का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस्लामिक पुलिस ने उसे पूछताछ के बहाने बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। इस्लामिक पुलिस ने डोनिया को देश विरोधी लोगों की कैद के लिए कुख्यात एविन जेल में रखा है। इराक में तिशरीन आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर एक बार फिर बगदाद में प्रदर्शनकारियों का बवाल देखने को मिला। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने ग्रीन जोन में घुसपैठ की कोशिश की। इस दौरान दंगा विरोधी पुलिस के साथ भिड़ंत हुई। भ्रष्ट तंत्र के सामने कभी नहीं झुकेंगे के नारे लगा रहे प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए गाइड्स को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उत्तर कोरिया का लगातार चौथे बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण ने अमेरिका के गुस्से को और भड़का दिया है। आनन फानन में यूएस नेवी के साथ में बेड़े ने जापान सागर में दक्षिण कोरिया और जापान के साथ महायुद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें परमाणु हमला करने में सक्षम UWS रोनाल्ड रीगल एयरक्राफ्ट करियर के अलावा जापान और दक्षिण कोरिया के कई विध्वंसक और क्रूजर शामिल हैं। चीन और रूस की चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका एक ऐसी पनडुब्बी को ला रहा है जो उसकी नेवल ताकत में कई गुना इजाफा कर देगी। अमेरिकी सेना अगली पीढ़ी के SSNX पनडुब्बी को डेवलप करने में लगी है, जो परमाणु हमला करने में भी सक्षम होगी। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बी को खरीदने का प्लान कैंसिल कर दिया है। स्पेन के कैटालोनिया में एक गंभीर हादसा हुआ। एक यूनिवर्सिटी में साइंस एक्सपेरिमेंट के दौरान जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें 9 बच्चों समेत 18 लोग घायल हो गए। साइंस एक्सपेरिमेंट एक विज्ञान शो के दौरान आयोजित किया गया था। दावा किया जा रहा है कि हादसे के वक्त करीब 300 लोग घटना स्थल पर ही मौजूद थे। हादसे में घायल हुए 5 साल के बच्चे की हालत बेहद गंभीर है। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान यान ने भीषण तबाही मचाई है। ड्रोन से रिकॉर्ड किए गए ताज़ा वीडियो में फोर्ट्स मायर्स बीच पर अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है।